वर्ग तीन के बच्चों के लिए आज मैं आपके किताब का व्याकरण की किताब से एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, हिंदी व्याकरण। इसमें चैप्टर है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। अभी आप जो देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, वो आपके चैप्टर का नाम है, और उसमें जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है अनेक शब्द के बदले एक शब्द। इसका प्रयोग भाषा को, इसको काहे करते हैं लोग, इसका उपयोग व्याकरण में हमें यह क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग करने से हमारी भाषा सुंदर होती है। कम शब्द में हम अपने विचारों को अधिक से अधिक प्रभावशाली और स्पष्ट बना करके दूसरे के सामने परोसते हैं, जिसका यहाँ पर उदाहरण है। इसकी परिभाषा होती है, भाषा को सुंदर, स्पष्ट, सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे कम शब्दों में ही अपने विचारों को प्रस्तुत किया जा सकता है। अब इसके लिए उदाहरण देखने के लिए आप आइए तो इसके उदाहरण पर, जैसे देखिए कि खेती करना, करने वाला, यहाँ तीन शब्द हैं खेती करने वाला, और इसके बदले में हमको एक शब्द में इसका आंसर मिलता है किसान। उसी तरह से उपचार करने वाला, इसका भी हमको एक शब्दों में आंसर मिलता है चिकित्सक, वैद्य या डॉक्टर। अब हम देखते हैं इसको कैसे हम प्रयोग करते हैं। तो कहीं कहीं होता क्या है कि जब व्याकरण के माध्यम से भी हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, व्याकरण के ही माध्यम से हम हिंदी को शुद्ध स्पष्ट लिखते हैं, इसलिए आपका यह जानना जरूरी होता है, क्योंकि कहीं कहीं कहानी में लिखने के लिए शब्दों का संचयन करना पड़ता है। अपने भाव को, कविताओं के भाव को व्यक्त करने के लिए हमको लिखने के समय में उसकी ज़रूरत होती है, अतः हम इसका उपयोग करते हैं। और जिसमें इस तरह की शैली विकसित हो जाती है, वह अपने भाव को दूसरे के सामने अच्छे से स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने लगता है। अब आप हमको, मैं आपको किताब के माध्यम से कुछ बता रहा हूँ, आप देखिए किताब में भी इसी तरह से। अब देखिए, यहाँ देखिए आप अपनी किताब को, तो आपको लगेगा कि यह सारा चीज़ जैसे शिक्षा देने वाला शिक्षक। अब जैसे एक सेंटेंस में लिखते हैं कि शंभू सर हिंदी की शिक्षा देने वाले व्यक्ति हैं, शिक्षा देने वाले व्यक्ति हैं, तो इसको आप कितना लंबा लिख दिए। इसी को छोटा करने के लिए आप एक शब्द का प्रयोग कर सकते थे, शिक्षक हैं शंभू जी, हिंदी के शिक्षक हैं, इस तरह से आप इसको लिखेंगे। अब इसी का देखिए आप किताब में भरिए, जैसे रोहन दिल्ली नगर में रहता है, तो नगर में रहता है, देखिए ये सेंटेंस थोड़ा अटपटा लग रहा है ना, कितना बड़ा हो गया, तीन शब्द में है, नगर में रहता है, तो इसको आप एक शब्द में लिख सकते हैं, रोहन दिल्ली का नगरवासी है, रोहन दिल्ली का नगरवासी है, नागरिक है, नगर में रहता है तो नागरिक है लिख सकते हैं, और वह वहाँ का निवासी है। इस तरह से आप अपने भाव को व्यक्त करेंगे।